देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ। आओ नरसिंहगढ़ सवारी समूह के सदस्यों द्वारा नगर पालिका कार्यालय के सामने वाली सड़क पर पौधारोपण कर नगर की बदहाल सड़कों के विरोध में प्रदर्शन किया गया। दरअसल यह नगर के प्रमुख मार्ग में से एक है। यह मार्ग पिछले कई वर्षों से खुदा पड़ा हुआ है। नगर पालिका प्रशासन द्वारा इसकी मरम्मत के लिए लाखों की चूड़ी डलवा दी गई है, पर रोड का निर्माण नहीं कराया जा रहा। रोड के टेंडर पिछले दिनों हो चुके हैं, पर कॉन्ट्रैक्टर को नगर पालिका द्वारा अभी तक कोई भी वर्क ऑर्डर नहीं दिया गया है, जिस वजह से लोगों ने परेशान होकर उक्त मार्ग पर पौधारोपण किया गया और मार्ग को जल्द से जल्द बनवाने के बाद समूह के सदस्यों द्वारा प्रमुखता से रखी गई। समय जगत के लिए संकल्प मिश्रा के साथ अनूप साहू की रिपोर्ट। किस विषय को लेकर आज नगर पालिका के सामने वृक्षारोपण किया गया आप लोगों के द्वारा? नगर पालिका के सामने की जो सड़क है यहाँ से बहुत ज्यादा गड्ढे हो रहा है और बहुत ही परेशानी आ रही है निकलने में। बच्चे स्कूल की ड्रेस पहनकर जाते हैं, कीचड़ में उनकी ड्रेस पूरी खराब हो जाती है। बहुत परेशानी है नगर पालिका को और SDM को। कई बार आवेदन दिए जा चुके हैं लेकिन अभी तक उसका कोई काम नहीं हो रहा। नगर पालिका द्वारा आपको क्या आश्वासन दिया गया? नगर पालिका ने कहा कि इसका टेंडर हो गया है, 10 दिन के अंदर इसका काम शुरू हो जाएगा। वर्क ऑर्डर पास कर दिया गया है कि नगर पालिका? वर्क ऑर्डर वो बोल रहे हैं, CMO साहब तो मिले नहीं जो प्रभारी थे, उनको आवेदन दिया, वो बोल रहे हैं कि वर्क ऑर्डर हमने दे दिया है और 10 दिन के बाद इसका काम शुरू हो जाएगा। अगर 10 दिन बाद काम शुरू नहीं होता है तो क्या प्लानिंग है आपके आगे? 10 दिन बाद अगर काम शुरू नहीं होता है तो हम पूरा व्यवस्थित तरीके से रोड को पूरी बंद करके इस पर काली मिट्टी डालकर इस पर खेती करेंगे। आज तो हमने एक ट्रेलर दिखाया, वृक्षारोपण करा है, लेकिन हम उसको पूरे खेती फसल लगा देंगे इस रोड पर। देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ।